तो क्या तुम लोग को भी चाहिए आपकी खुद की स्किन पूजा लॉन्चर में, या फिर तुम लोग को भी चाहिए अपनी खुद की कस्टम केप या फिर एनिमेटेड केप अपने पूजा लॉन्चर में, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहो, क्योंकि इस वीडियो में तुम लोग को यही बताऊंगा कि तुम अपनी कस्टम केप या फिर खुद की स्किन कैसे डाल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में तुमको केप की दो ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम कस्टम केप या फिर तुम्हारी खुद की केप बना सकते हो, एंड स्किन तो तुमको साथ में मिलेगी। तो सबसे पहले तुमको ज्वाइन कर लेना है मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर, एंड तुमको 3 डॉट पे क्लिक करके शो ऑल चैनल पे क्लिक कर देना है। देन तुमको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, देन तुमको मिलेगा रिसोर्सेज का ऑप्शन, तो तुमको उस पर क्लिक करना है। एंड फिर उसके बाद तुमको चले जाना है स्किन एंड केप वाले पे, एंड इस पे दबाने के बाद तुमको एक सबसे नीचे पैक मिलेगा, ऊपर तुमको मेरी स्किन एंड केप भी मिल जाएगी, अगर तुमको लगानी हो तो तुम यूज़ कर सकते हो, बट तुमको अधिकतर तो नीचे वाले पे क्लिक करना है। देन इस फाइल को तुमको ओपन कर लेना है जेड आर्चीवर में, एंड इस फाइल के अंदर जाके तुमको इतनी सारी चीज़ें मिलेगी। तो ऊपर जो तुमको दो बॉड्स दिख रहे हैं तुमको दोनों को कॉपी करना है, एंड ये दोनों 1.18 के, तो अगर तुम्हारा दूसरा वर्जन है तो तुमको ये दोनों को दूसरे वर्जन के डाउनलोड करने पड़ेगी, या फिर ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी तुम्हारी, तो देख लेना। एंड फिर तुमको जा रहा है डिवाइस मेमोरी में, देन तुमको जा रहा है एंड्रॉयड में डाटा में, देन तुमको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, तुमको ऑप्शन मिलेगा पूजा लॉन्चर के फोल्डर का, तुमको उस पर जाना है, देन फाइल में जाना है। अब मोस्ट ऑफ द लोगों का तो डॉट पाइट का फोल्डर है, बट मेरा ये फेदर का है, तुम्हारा कस्टम पाथ जो तुमने सिलेक्ट करा है उसके हिसाब से देख लेना। देन उसके अंदर जाके तुमको चले जाना मॉड्स में, इनको पेस्ट कर देना है, मेरा ऑलरेडी पेस्ट है तो मैं नहीं कर रहा, मैं दोनों ट्रिक की फाइल एक साथ डलवा रहा हूँ तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तुमको सीधे चले जाना है केप सेट स्किन्स वाले फोल्डर में, देन तुमको इसके अंदर जाके एक मिलेगा स्किन्स का जीप, तो तुमको इसको कॉपी करना है, एंड वापस से तुमको जाना है एंड्रॉयड में डाटा में, देन तुमको नीचे स्क्रॉल करके वापस से जाना है पूजा लॉन्चर के फोल्डर में, एंड देन उसके बाद फाइल्स में, एंड जो भी तुम्हारा पाथ हो, मेरा फेदर का है तो मैं उसमें जा रहा हूँ, तुम्हारा मोस्ट ऑफ द लोगों का डॉट माइनक्राफ्ट होता है। देन तुमको नीचे स्क्रॉल करके चले जाना है रिसोर्स पैक वाले में, एंड इसके अंदर जाके तुमको पेस्ट कर देना है, लाइक ये टेक्सचर पैक है, ठीक है। अब हमने फाइल तो डाल ली, बट अब हमको डालनी पड़ेगी स्किन्स एंड केप, तो तुमको बैक करके जाना है अपने फ़ोन की गैलरी में, एंड गैलरी में जाके तुमको अपनी स्किन को ढूंढना है। तो ये देख लो मेरी स्किन है, मेरे को इसको शेयर के ऑप्शन पर दबाना पड़ेगा, एंड देन इसको जेड आर्चीवर में रिडायरेक्ट कर लेना है। देन उसके अंदर आके इस स्किन को तुमको करना है कॉपी, एंड देन तुमको अगेन जाना है डिवाइस मेमोरी में, देन एंड्रॉयड में, एंड फिर डाटा में, देन फिर नीचे स्क्रॉल करके जाना है पूजा लॉन्चर के फोल्डर में, देन फाइल्स में, एंड वही तुम्हारा कस्टम पाथ, मेरा फेदर है तो मैं उसमें जा रहा हूँ। देन तुमको जाना है रिसोर्स पैक वाले फोल्डर में, एंड रिसोर्स पैक वाले में जाके तुमको जो अभी मैंने स्किन की फोल्डर पेस्ट करवाया था उसके अंदर चले जाना है, तो स्किन के जिप में जाना है, एंड देन तुमको जाना है एसेस में, एंड सबसे अंदर जाके तुमको इसको पेस्ट कर देना है, एंड पेस्ट करके तुम इसका नाम चेंज कर लेना, मेरा इसमें ऑलरेडी स्टीव डॉट पी एन जी है, तुम्हारा नाम तो इसका नाम रीनेम करके स्टीव डॉट पी एन जी कर लेना, जो सेम है वही करना। देन तुम इसको एक बार कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर लेना, देन तुम इसका नाम चेंज कर लेना एंड एलेक्स कर देना, देन एलेक्स करके तुमको इसको वापस से कॉपी करना है, एंड जहाँ पे उसी रिसोर्स पैक के अंदर इसको पेस्ट कर देना है स्किन्स वाले में, इसके अंदर जाऊँगा एंड सबसे अंदर जाके इसको पेस्ट कर दूँगा, तो इससे तुम्हारी स्किन्स लग जाएगी, एंड जितने भी एलेक्स एंड स्टीव है ना वो सारे के सारे तुमको तुम्हारी स्किन के दिखने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय IPL Win, जो कि एक ट्रस्टेड गेमिंग वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर तुमको 1000+ गेम्स देखने को मिल जाएंगे, एंड उन गेम्स को खेल के तुम्हें पैसा भी मिलेगा, एंड जब तुम लोग इस वेबसाइट पर लॉगिन करोगे तो तुमको 111 का कैशबैक बोनस भी मिलेगा, जो कि बड़ी सही चीज़ है, एंड अगर तुम लोग अपने दोस्तों को इन्वाइट करोगे तो और तुमको कैशबैक देखने को मिलेंगे, एंड यही नहीं इधर तुमको VIP मंथली बोनस भी देखने को मिलेगा, जो कि बड़ी सही चीज़ है। तो वेट क्या कर रहे हो, करो लॉगिन एंड खेलो गेम्स एंड कमाओ मोटा पैसा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन। तो मैं आ गया हूँ एक सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में, एंड सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में आके तुमको जाना है ऑप्शंस के बटन पे, एंड तुमको जाना है देन स्किन कॉन्फ़िगरेशन वाले में, देन तुमको नीचे मिलेगा ऑप्शन मोर कॉस्मेटिक्स का, तुमको उसके ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड देख लो तुमको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे हेड सेट बहुत सारी चीज़ें विग्स, बट हमको सबसे ज़्यादा है नीचे क्लोक के ऑप्शन पे, इस पे जाके तुमको क्लोक को ऑन करना है, एंड देन तुमको दबाना है ब्राउज के ऑप्शन पे, एंड फिर उसके बाद वो नीचे वाला जो है ना उस पे दबा देना है, इससे तुमको बहुत सारे लाइक केप्स देखने को मिल जाएगी, एंड अभी तो ऊपर सिंपल है, बट अगर तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तुमको एनिमेटेड केप्स भी मिलेगी एकदम परफेक्ट, तो तुमको जो लगा दिए तुम लगा सकते हो, एंड अगर तुमको खुद की कस्टम केप चाहिए तो वीडियो में थोड़ी देर और रुको, तुमको वो भी देखने को मिल जाएगी।
एंड इधर लिटरली जितना तुम स्क्रॉल करोगे तुमको वितरी केप देखने को मिल जाएगी। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे देख लो मुझे एनिमेटेड केप्स भी देखने को मिलने लग गई है, तो मैं अभी कोई सी भी लगा लेता हूँ। एंड देखो ये पीछे लग भी चुकी है, ये एनिमेटेड वाली है जो कि सही लग रही है, ये देख लो। अब बात रही स्किन की, तो स्किन लगाने के लिए तुमको वापस से चले जाना है रिसोर्स पैक के ऑप्शन पे। लाइक पहले ऑप्शन पे जाओ, देन चले जाओ रिसोर्स पैक पे, एंड जो भी मैंने तुमको स्किन वाला फोल्डर दिया तुमको वो ढूंढना है। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देख लो स्किन वाला फोल्डर मिल गया है, तुमको इसको करके डन कर देना है। एंड ये फेदर की पिछली वीडियो बनाई है, नहीं देखी तो देख लेना। एंड ये देखो मेरी स्किन लग चुकी है। एंड तुमको स्किन को और अच्छा दिखाना है तो स्किन 3D लेयर लगा लेना, उससे तुम्हारी स्किन और अच्छी लगने लग जाएगी। एंड या अब बढ़ते हैं अपन दूसरी ट्रिक की तरफ। तो इसके लिए तुमको चले जाना है वापस से जेड आर्चीवर पे, एंड ये स्किन वाले फोल्डर पे वापस से व्यू प्ले क्लिक करना है, एंड अंदर चले जाना है। फिर तुमको एक पिक्सार्ट की पिक्चर दिखेगी, तो तुमको इसके ओपन के ऑप्शन पे दबाना है, एंड तुमको इसको पिक्सार्ट पे ओपन कर लेना है, या फिर तुम पिक्सल लैब में भी कर सकते हो, कोई सा वे ऐप जिसके पीछे बैकग्राउंड स्क्रीन ना दिखे वो वाला। तो देख लो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, एंड तुमको अपनी खुद की प्रोफाइल पिक्चर को इसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले तुमको ऐड फोटो पे क्लिक करना है, एंड अपनी कोई सी भी फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो मेरे को ये मिली है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। अभी मैं मेरी खुद की भी कर सकता था, बट ये दूसरे चैनल की लगा लेता हूँ। बाय द वे अगर तुमने दूसरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कराओ तो कर लेना ना। इसको तुमको एडजस्ट करना है, एंड वो जो वाइट वाइट दिख रहा है उसके ऊपर इसको पेस्ट करना है, एकदम परफेक्ट साइज़ का रखना, वरना स्किन ग्लिची हो सकती है, फिर तुम मेरे को गाली दोगे। तो इसके लिए परफेक्ट रखना। तो मैं इसको जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो ये जो पूरा वाइट वाइट है इसको पूरा कवर करना है। ओके सो मैंने सेट कर लिया है, अब तुमको इसको सेव कर लेना है। एंड सेव करने के बाद तुमको चले जाना है वापस से जेड आर्चीवर में। एंड जेड आर्चीवर में जाके तुमको इस फाइल को ढूंढना है, लाइक जो तुमने फ़ोटो भी बनाई है। तो मैं चले जाता हूँ पिक्चर्स में, एंड पिक्चर्स में जाके मैं चले जाऊँगा ये अपनी पिक्स आर्ट में, एंड इस पर उस फ़ोटो को ढूंढ लेता हूँ। तो मेरा सबसे नीचे फ़ोटो है, तुमको इस फ़ोटो को करना है कॉपी, एंड कॉपी करके तुमको चले जाना है वापस से डिवाइस पे बुरी में, एंड देन तुमको जाना है एंड्रॉयड में, फिर वही सेम काम करना है, वापस से जाओ डाटा में, देन अपना पुजाओ लॉन्चर का फोल्डर ढूंढो। पुजाओ लॉन्चर का फोल्डर ढूंढने के बाद फाइल्स में जाओ, एंड जो तुम्हारा कस्टम पाथ है डॉट माइनक्राफ्ट है तो डॉट माइनक्राफ्ट में कर लेना, या फिर अपना चेंज कर लेना। तो अभी मैं चले जाता हूँ, मेरा डॉट माइनक्राफ्ट तो नहीं है तो मैं फेदर में जा रहा हूँ। एंड फिर उसके बाद तुमको जाना है, ये एक नया ऑप्शन रहेगा कैच्ड इमेजेस का, अगर तुम्हारे इस पे नहीं आ रहा है तो जो मैंने बॉट दिए थे ना दोनों उनको लगाना, और एक बार गेम को रिस्टार्ट कर लेना। लाइक ओपन करके वापस से बात करोगे तो तुमको ये ऑप्शन दिख जाएगा, बट वो बॉट लगाना ज़रूरी है ऑफलाइन स्किन वाला। फिर उसके बाद तुमको जाना है ये इधर एक बार पेस्ट कर देना, पेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, देन तुमको इसको वापस से कॉपी करना है। देन उसके बाद तुमको जाना है केप्स वाले ऑप्शन में, स्किन और केप का ऑप्शन, तुमको केप वाले में जाना है, एंड तुमको इधर आके पेस्ट कर देना है। देन तुमको इसका नाम करना है रीनेम, तो सबसे पहले इस पर करना, एंड देन इसका नाम तुम चेंज कर ले जो तुम्हारा IGN है। तो मेरा IGN है अरीना प्लेस, तो मैं इसको अभी कर लेता हूँ, एंड जो एकदम परफेक्ट IGN रखना, वरना तुमको दिखेगी नहीं अपनी स्किन। तो या इसको एक बार पेस्ट कर देना, एंड देन उसके बाद तुमको इसको कर लेना कॉपी, एंड ये जो दूसरा फोल्डर है उसके अंदर आके तुमको इसको वापस से पेस्ट कर देना है, रिप्लेस कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पहले से एक केप लगी हुई थी। एंड या देन तुमको वापस से चले जाना है अपने फ़ोन की गैलरी में, एंड गैलरी में आके जो तुम्हारी स्किन है उसको तुमको वापस से करना है कॉपी, एंड तुमको फिर करना है जेड आर्चीवर पे जाना, एंड जो अभी हमने फाइल खोली थी उसके अंदर ही वापस चले जाना है। तो ये स्किन को मैं वापस करता हूँ कॉपी, एंड देन फिर से एंड्रॉयड में जाऊँगा, डेटा पे जाऊँगा, एंड नीचे जाके उसी फोल्डर को ढूंढ लेता हूँ पुजाओ लॉन्चर की, ये रहा, एंड देन फाइल पे, एंड फिर उसके बाद जो तुम्हारा कस्टम पाथ था, देन उसके बाद तुमको वापस से जाना है कैश डी वेजेस पे, एंड उसके बाद तुमको जाना है स्किन्स के फोल्डर में, एंड स्किन्स के जाके तुमको इसको कर देना पेस्ट, एंड पेस्ट करके इसको वापस से तुम्हारा रीडेप कर लेना जो तुम्हारा नाम रखा था। देन तुमको इस फाइल को करना है कॉपी, एंड कॉपी करके तुमको इसके अंदर वाले में पेस्ट कर देना है, मेरा ऑलरेडी है तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। एंड या तुम्हारा ये भी लग जाएगा। अब तुमको वापस से चले जाना बॉट्स में, एंड एक बार चेक कर लेना ये दोनों बॉट डले हुए हैं या नहीं, वरना तुम्हारा नहीं लगेगा। देख लो ये ऑफलाइन स्किन करके तुम्हारे वर्जन का ही लगाना, वरना ब्लैक स्क्रीन आएगी मेरे पास आओगे। तो या देख लो मेरी स्किन लग चुकी है मेरे गेम में आते से ही, एंड ये देख लो पीछे मेरी केप भी लग गई है कस्टम वाली जो कि अभी मैंने बनाई थी। तो या एंड ये कूल लग रही है ना, बट इस पर अपन एक और चीज़ करेंगे।
जो कि एक और बॉट डालना पड़ेगा तुमको, वो है वेवी केव्स का। उससे तुम्हारी केव वेव करने लग जाएगी। लाइक मैं तुमको मॉड में जाके दिखाता हूँ, ये देखो ऐसी होने लग जाएगी। तो सबसे पहले तुमको चले जाना है मॉड्स में, एंड मॉड्स में जाके तुमको नीचे स्क्रॉल करोगे तो सबसे नीचे शायद तुमको देखने को मिल जाएगा ये वेवी केव करके। इसमें जाना एंड देन उसके बाद तुमको चले जाना है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाके तुमको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो जो मैं कर रहा हूँ ये पूरा कॉपी कर लो, तुम्हारा भी सही साठ लग जाएगी। ये सिमुलेशन वर्जन 2 कर लेना, ग्रेविटी ऑन कर लेना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देख लो तुम्हारी केव भी कुछ इस टाइप की हो जाएगी, जो कि बड़ी कूल लग रही है। एंड या इस वीडियो में इतना ही था। हाँ, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो मैं अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही होगी तुम लोग को, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी एंड तुमको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी केव से रिलेटेड। तो या मिलेगी अगली वीडियो में। एंड इस वीडियो से 5K कर दो यार, बहुत क्लोज है 5K के। अगर इस वीडियो से हो जाते हैं तो मैं अपना टेक्सचर पैक बनवाऊँगा एंड उसकी वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो या सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक भी कर देना इस वीडियो को। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।